छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। और चलिए अब नजर डालते हैं कोरोना अपडेट के लेकर। कोरोना के कल छत्तीसगढ़ में 336 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 3 संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा भी सामने आया। 309 संक्रमित डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर जारी है, लगातार ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना प्रदेश में अलग अलग जिलों से नए संक्रमितों की पुष्टि हो रही है, वहीं मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने कल मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार छत्तीसगढ़ में कल कुल 336 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं कल 309 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है और 3 कोरोना संक्रमितों की मौत का भी आंकड़ा सामने आ रहा है। बता दें कि कल जो 336 नए मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9192 पहुंच गई, यानी कि 9000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 6230 संक्रमित का इलाज के बाद स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि अब प्रदेश में 2908 लोगों का डॉक्टरों द्वारा उपचार चल रहा है। यानी कि अब प्रदेश में 2908 एक्टिव मरीजों की संख्या बताई जा रही है, जबकि प्रदेश में 54 लोगों की कोरोना से मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। बता दें कि कल जो 336 नए मरीज मिले हैं, उनमें से राजधानी रायपुर से सबसे ज़्यादा 184, तो वहीं कोंडागांव से 23, दुर्ग से 19, राजनांदगांव से 31, महासमुंद से 9, कोरबा से 6, बलरामपुर से 4, बस्तर से 4, बलौदाबाजार से 4, बिलासपुर से 7, जांजगीर से 2, दंतेवाड़ा, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, गरियाबंद, कांकेर से 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि बालोद और कोरिया से 2-2 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। कल छत्तीसगढ़ में कोरोना के 336 नए मामलों की पुष्टि है। अब इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9000 के पार पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ का अपना गेम शो कौन बनी लखपति, प्ले एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्लेइंग। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल 777-180-7826। जल्द आ रहा है